तो फिर से नए वीडियो में था दोस्तों। आज के हम लोग बात करेंगे SSC GD 2023 में जो हुई थी उसी के बारे में बात करेंगे। SSC GD का आज जो बात गई थी SSC की, आज स्कोर कार्ड जारी किया जाता है दोस्तों। स्कोर कार्ड SSC ने जारी कर दिया, SSC GD जारी कर दिया। आप SSC की वेबसाइट पर आकर भी यहाँ अपना UID पासपोर्ट डाल के, कैप्चा कोड डाल के लॉग इन कर सकते हैं। नहीं तो आप सरकारी रिजल्ट पर भी जाकर अपना वहाँ स्कोर कार्ड चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत खुशखबरी है कि जो भी SSC ने बोला था कि आज के डेट में यानी कि 8 मई को शाम तक ही, यानी कि SSC को खुद ही बिलीव नहीं था, मुझ बहुत से कैंडिडेट को ऐसे बिलीव नहीं था कि आज के डेट में ही रिलीज कर, यानी कि वो बोला था कि 8 मई को शाम 5 बजे तक रिलीज कर दिया था। SSC ने फाइनली अपने डेट पे, अपने टाइम पे वो रिलीज कर दिया है स्कोर कार्ड। तो बहुत से कैंडिडेट ने स्कोर कार्ड चेक कर लिया। अभी वेबसाइट थोड़ा कमज़ोर काम करिए, पर धीरे धीरे सबके स्कोर कार्ड चेक करें। और नोवराइजन मार्क भी अच्छा खासा बढ़ रहा है। तो दोस्तों SSC का फिजिकल दे चुके हैं, उनका स्कोर कार्ड जारी हो चुका है, तो सबका स्कोर कार्ड आ चुका है। जो भी कैंडिडेट आपका जितना भी मार्क है उसमें कितना नंबर बढ़ा है, 8 नंबर, 10 नंबर, जितना भी मार्क बढ़ा है उसे आप चेक कर सकते हैं कि आपका कितना रॉ मार्क था और कितना भी इंक्रीज किया है। तो SSC GD ने फाइनली अपना स्कोर कार्ड जारी कर दिया। स्कोर कार्ड आप चेक कर सकते हैं SSC की वेबसाइट पर आके। आप SSC सर्च करिएगा क्रोम ब्राउजर में, जाकर SSC सर्च के पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करिएगा तो आपको SSC की वेबसाइट खुल जाएगी। वहाँ जाके आप अपना UID, अपना पासपोर्ट और कैप्चर कोड डाल के वहाँ से अपना लॉग इन करके अपना स्कोर कार्ड चेक कर सकते हैं। और आपकी कितनी नंबर आई है ये कमेंट सेक्शन में बताना जरूर ना भूलिएगा। और आपको बता दें कि नॉर्मलाइजेशन में क्या मार्क बढ़ी है, कितनी मार्क बढ़ी, आप ये भी कमेंट जरूर करिएगा। हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के इस कमेंट से ही, अगर नेक्स्ट वीडियो में बना पाएंगे कितने नंबर पे हुआ है SSC GD की, कितनी नंबर एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है, मैक्सिमम कितनी कट ऑफ जा सकती है, आप मेडिकल के लिए क्या स्ट्रेटजी होगी, सारा आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो SSC GD ने फाइनली अपना स्कोर कार्ड जारी कर दिया। तो दोस्तों जो भी स्कोर कार्ड नहीं चेक किए, आप वेबसाइट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ जाकर लिंक एक्टिव है, वहाँ जाकर अपना चेक कर लिया। बहुत से कैंडिडेट चेक कर लिए हो तो वो अपना कैटेगरी और आपका कितना रॉ मार्क था, कितना नोवाइसन में बढ़ा है, वो नंबर आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। क्योंकि आप लोग कमेंट करिएगा तो आप लोग एक दूसरे को कमेंट देके अपना कर सकते हैं किस कैटेगरी में कितना तक मैक्सिमम कट ऑफ जा सकती है, नोवलाइजेशन कितना कितना नंबर आप लोगों का हुआ है, यानी किसी का 8 नंबर बढ़ा है, किसी का 10 नंबर बढ़ा है, यहाँ तक मैंने सुना है 15 नंबर तक ही नोवलाइजेशन गया। मेरे एक खास दोस्त है जिनको 10 नंबर बढ़ा है, एक और दोस्त है जिसका 8 नंबर तक बढ़ा गया है। तो दोस्तों आप अपना कितना नंबर बढ़ा है आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है, यानी कि किस कैटेगरी में कितनी कट ऑफ जा सकती है आफ्टर मेरिट के लिए, यानी कि मेरिट के में हर बार होता है मेरिट में बहुत से कैंडिडेट छट जाता है। तो इस बार बात करेंगे फाइनली मैक्सिमम और मिनिमम कितनी कट ऑफ हो सकती है मेरिट के लिए, तो वो जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। बाकी जो भी कैंडिडेट का रिजल्ट हुआ है उनको हमारी तरफ से कंग्रेचुलेसन, और जिनका नहीं हुआ है, जिनका एग्ज़ाम भी कहीं से रिजल्ट है, जिनका फिजिकल में फेल हो, तो निराश मत हुए, अभी बहुत सारे वैकेंसी आने वाली है, आपको सारा अपडेट इस चैनल के थ्रू मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी कल के वीडियो में 8 से 9 बजे आपको मिल जाएगा कट ऑफ को लेकर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए, क्योंकि कल जो वीडियो अपलोड होगी तो आप देख सकते हैं कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ। आप लोग को रिव्यू से, आप लोग को कमेंट से ही वीडियो तैयार किया जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट अपना स्कोर कार्ड चेक कर लिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना नंबर और अपना कैटेगरी जरूर डालिएगा। तो आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन प्रेस करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।